प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ममता बनर्जी को कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया, जिसमें कोर्ट ने 5 लाख मुस्लिम्स का जो ओबीसी कोटा है उसे कैंसिल कर दिया। तो इसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और बहादुर महिलाएं, एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार अंजू पंकज जी को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जो खुद वेस्ट बंगाल से आती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए से लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज आप मस्टर्ड कलर में बहुत प्यारी लग रही हैं। और आप पे ये जो नीला रंग है ये बहुत फब रहा है। अच्छा ये बताइए कि ममता बनर्जी को क्या हो गया, ये नंदीग्राम में फिर से हिंसा का तांडव शुरू हो गया है, एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हत्याओं का सिलसिला, बलात्कार का सिलसिला, लूटपाट का सिलसिला, स्कैम का सिलसिला, तोलेबाजी का सिलसिला, मर्डर का सिलसिला, छेड़छाड़ का सिलसिला, ईव टीजिंग का सिलसिला, स्टिंग ऑपरेशन का सिलसिला, महिलाओं को डिफेम और मलाइन करने का सिलसिला, महिलाओं को गालियां देने का सिलसिला, झूठ बोलने का सिलसिला, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने का सिलसिला तो पश्चिम बंगाल में तब से हो रहा है जब से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी चेयर पर बैठी हैं, तब से। अब तो ये कुछ नया नहीं है, हमें तो मतलब आदत हो गई है इन सारी चीजों की। पर ये आप देखिए कि चुनाव के बीच में अब जो कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें ओबीसी में कैसे सेंधमारी की गई थी 2010 के बाद 11 से, जब ममता बनर्जी पहली बार सीएम बनी थी, 77 ऐसी जातियां हैं मुसलमानों में जिनको कि ओबीसी के रास्ते कोटा दे दिया गया था। आपने इस ओबीसी वाले सवाल से पहले मैं आपको आपके पहले सवाल का मैं मुकम्मल जवाब दे देती हूँ। 2019 से लेकर के 2024 तक में हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है और मुझे बहुत अफसोस होता है कि अब तक किसी भी माँ को और किसी भी बीबी को और किसी भी बच्चे को न्याय नहीं मिला है। क्योंकि एक मर्द अगर घर का मरता है तो वो किसी का बेटा होता है, किसी का शौहर हस्बैंड होता है और किसी का पिता होता है, किसी का राखी मतलब भाई होता है। तो इन किसी को भी जस्टिस नहीं मिला है। अब जस्टिस मिले तो मिले कैसे, अगर सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के हमारा न्यायपालिका कलकत्ता हाईकोर्ट भी अगर कोई जजमेंट सुनाता है तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी सीधा कहती है कि वो उसको मानती ही नहीं है, वो उसको मानना ही नहीं चाहती है। अभी हालिया में कुछ दिन में जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा एमपी भी बने थे और एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके ऊपर थूक से भरा हुआ बॉटल फेंका गया है, थूक भर कर करके उनके ऊपर गंदे कचड़े फेंके गए हैं। वो मीटिंग में क्यों आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्यों बता रहे हैं, वो मोदी जी की योजनाओं की तारीफ क्यों कर रहे हैं, इसके लिए अग्निमित्रा पॉल जी के ऊपर, जो मिदनीपुर से वो कैंडिडेट है, उनके ऊपर बहुत सारा आक्रमण हुआ है। मैं कई बार क्वांटाई गई हूँ या मैं जिस जिस जगह पर जा रही हूँ, यहाँ तक कि मुझे तो इतनी अभद्र गालियां और इतनी धमकियां आई हैं, लिखित रूप में वर्बल भी आया है और बाय रिटन भी आया है, कि जिस दिन भी मैं फरहाद हकीम के असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी और अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र डायमंड हार्बर में मैं एंटर करूंगी, मेरा सलवार खोल करके 50 लोग से ज्यादा मेरा गैंगरेप करेंगे, ये लिखित रूप में आया है, लिखित रूप। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो टेररिज्म माइंडेड राजनीति है, ये जो जिहादी राजनीति है, ये जो पाकिस्तानी सोच वाली जो राजनीति है, ये ममता बनर्जी जी के साथ साथ तृणमूल में आ चुकी थी। और जिस दिन ममता बनर्जी अपने चेयर पर, मुख्यमंत्री के चेयर पर पश्चिम बंगाल में बैठी थी, उस दिन ही ये पाकिस्तानी राजनीति, टेररिज्म राजनीति जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। आपने कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट जो कैंसिल किया है, उसका सवाल आपने पूछा है। बहुत दर्द हुआ है ममता बनर्जी साहिबा को, बहुत दर्द हुआ है।
कल दमदम में चीखती चिल्लाती नजर आ रही थी। कल स्वागता रॉय की जब वो कंपेनिंग कर रही थी, स्वागता रॉय जो कैंडिडेट हैं उनकी जब कंपेनिंग कर रही थी तब भी वो काफी भड़की हुई थी, और उसके उससे पहले भी उन्होंने कंपेनिंग के दौरान सारे धर्मों को मलाइन किया। उन्होंने कहा है कि अगर वो उन्होंने पश्चिम बंगाल में 70 योजनाएं निकाली हैं और उन योजनाओं पर जितना काम उन्होंने किया है, अगर वो काम वो गिनाना स्टार्ट करेंगी तो रामायण महाभारत बाइबल और कुरान खत्म हो जाएगा, कोई निशान नहीं बचेगा। रामायण महाभारत बाइबल और अल कुरान का कोई कुछ भी नहीं बचेगा अगर वो बताना स्टार्ट करेंगी। पर ये जितने दाढ़ी टोपी वाले हैं जो ममता बनर्जी का चप्पल चाट चाट करके पुराना होने नहीं देते हैं, मुसलमान है जो ममता बनर्जी के सफेद चप्पल को अपनी जुबान से चाट चाट करके पैसे के लालच में अपने ईमान को, अपने मजहब को, अपने इस्लाम को बेच चुके हैं, इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं पूछा कि ममता बनर्जी साहिबा आपने ऐसा क्या कर दिया जो हमारी अल्हामी किताब अल कुरान खत्म हो जाएगी पर आपकी कहानी खत्म नहीं होगी। वैसे ही जब 48 घंटे पहले कैलकाटा हाईकोर्ट ने, द ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को कैंसिल किया, तो ममता बनर्जी ने ऐलान ही आपने कंपेनिंग के मंच से कह दिया माइक पर और इन फ्रंट ऑफ मिनी कैमरास कि भाई ये कोई जजमेंट नहीं आया है, उसको वो जजमेंट नहीं मानेंगी, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑर्डर आया है जो जजेस ने माना है, जिसका उदाहरण वो फॉर्मर जज अभिजीत गांगुली से कभी दे रही है और कभी कभी तो वो पूरे ही कैलकाटा, द ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट को वो भारतीय जनता पार्टी का पार्टी ऑफिस बता दे रही है। अब मेरा पहला सवाल ये है, क्या भारत में कभी भी कोई जज कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया था क्या? कांग्रेस तो ज्वाइन किया था भारत के, अरे सुप्रीम कोर्ट थे वो जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। क्या भारत के बड़े बड़े वकील कांग्रेस के नेता मंत्री नहीं रहे हैं क्या? बड़े बड़े रहे हैं, कपिल सिब्बल रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब रहे हैं, और अभी तो इंडिया अलायंस के अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो करोड़ों रुपए फीस में लेते हैं कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोलना पड़ा कोई भाई इतनी फीस। तो अभी 2 दिन पहले एक जज साहब जो है वो रिटायर किए थे हमारे द ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट में, उन्होंने रिटायरमेंट का पेपर साइन करने के बाद जो एक प्रोसेस होता है, जो एक लीगल टर्म होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशी से ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से ही आरएसएस का मेंबर था और मैं अब तक हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इस चेयर पर बैठा था इसीलिए मैंने इस चीज को साइड रखा था, पर अब दोबारा मैं बता रहा हूँ कि मैं आरएसएस का मेंबर था। तो बताया तो इसमें आपत्ति कहाँ पर है? इसमें तो आपत्ति कहीं पर नहीं है, पर उसको उन्होंने पूरा पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की है, इसलिए मैंने टीएमसी का नाम रखा है, टेररिस्ट मुस्लिम कमेटी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी अब इसको नहीं रहना चाहिए, इसको टेररिस्ट मुस्लिम कमेटी रहना चाहिए, और टेररिस्ट मुस्लिम कमेटी के नाम से एक नया एनरोलमेंट, एक नया ऑर्गेनाइजेशन का गठन हमारी श्रीमती ममता बनर्जी को कर ही देना चाहिए भैया, क्योंकि मुसलमानों को उन्होंने अपने बाप की जागीर तो बना ही ली है, साथ साथ इस्लाम को भी उन्होंने अपने हाथ से, अपने तरीके से, अपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तरीके से लिख डाला है, और मुसलमान अब अल कुरान को छोड़ करके, सही अल बुखारी को छोड़ करके, हदीयत को छोड़ करके, पश्चिम बंगाल के मुसलमान वो इस्लाम पढ़ रहे हैं जो श्रीमती ममता बनर्जी ने लिख दिया है। लीगल वेज में आने से पहले मैं थोड़ा सा इस्लामिक वेज आपको, आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी, बाद में फिर मैं लीगल वेज में आऊंगी जो पूरे डिटेल्स में मैं बताऊंगी। क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी इस्लाम ज्यादा मानती हैं, क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी अल कुरान ज्यादा मानती हैं, क्योंकि श्रीमती ममता बनर्जी मुसलमानों को ज्यादा इस्लामिक तरीके से हैंडल करती हैं, इसलिए इस्लामिक तौर तरीका जानना बहुत जरूरी है। हमारे अल कुरान के हिसाब से या सही अल बुखारी के हिसाब से या हदीसों के हिसाब से मुसलमान ओबीसी होता ही नहीं। अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स मुसलमान होता ही नहीं, और अगर मुसलमान होता तो डोम की नौकरी मुसलमान क्यों नहीं लेता है, गटर और ड्रेन साफ करने की नौकरी मुसलमान क्यों नहीं लेता है, रोड पर झाड़ू देने की नौकरी मुसलमान क्यों नहीं लेता है, कचरा साफ करने की नौकरी मुसलमान क्यों नहीं लेता है, इस पूरे देश के सारे कॉरपोरेशन कॉरपोरेट ऑफिस से ये नौकरियां निकलती हैं, बिल्कुल निकलती हैं, डी ग्रुप की नौकरियां निकलती हैं ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए,
तो ये सारे फॉर्म मुसलमान क्यों नहीं भरता है? मैं बहुत जिम्मेदारी से और पूरे इस्लाम को सही से पढ़ने के बाद, पूरे अल कुरान को सही से पढ़ने के बाद, मैं ये चालाकी मुसलमानों का बताना चाहती हूँ आपको कि मुसलमान अपनी चालाकी में खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है और इनको बचाने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं होगा। एक तरफ इस्लाम और अल कुरान ये चीख चीख कर गवाही देता है कि सारे मुसलमान इस दुनिया में पैदा होने वाले वो जनरल कास्ट से आते हैं, अपर कास्ट से आते हैं, तो फिर आप ओबीसी का रिजर्वेशन का फॉर्म आप भरते क्यों हैं? और अगर आप भरते हैं तो ओबीसी एससी एसटी का कोटा आप उनके हक को मारते क्यों हैं? और अगर आप मारते हैं तो डोम के कोटे को क्यों नहीं मारते हैं? तो फिर ड्रेन साफ करने वाले के कोटे को क्यों नहीं मारते हैं? झाड़ू देने वाले कोटे को क्यों नहीं मारते हैं? देखिए अंजू जी, मैं बहुत साफ सुथरे तरीके से बताना चाहती हूँ, और गालियां मुझे मिलती हैं और मुझे उसके कोई आपत्ति भी नहीं है, देते रहो गाली, शायद गालियां देना सुन्नत रसूल होगा, इसीलिए मर्द देते हैं। जो छल, जो चालाकी और जो चिटिंगबाजी इस देश में मुसलमान आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर के करता चला आया है, ये तब तक छुपा हुआ था जब तक 53 साल कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि अब संविधान और कानून को इतना ज्यादा बारीकी से लोग पढ़ करके सारे केसेस को देख रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाला आदमी वो 24x6 नहीं होता है, वो 24x7 होता है। जो लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं, आप सोइए कम, खाइए कम, आराम कम कीजिए, लेकिन आपको काम पूरा करना है, क्योंकि जो सवाल आपने उठाया है उसका जवाब आपको चार तरीके से कंप्लीट करना है देने के लिए, तो हमने भी चार तरीके से कंप्लीट करना सीख लिया। अब आती है बात कि कल जब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया तो सारे आंकड़े मैंने निकाल लिए। 2011 तक, जब तक ममता बनर्जी जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक 105 जातियां जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन में फिक्स थी। जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार आई, 179 जातियां हुई, जिसमें 71 जातियों को एडिशन किया गया, जिसमें 65 मुसलमान ओबीसी की जातियां जुड़ी हैं। अब 118 मुस्लिम ओबीसी जातियां, मतलब 66% मुसलमान ले रहे हैं। 61 हिंदू ओबीसी जातियां इसमें जुड़ी, जिसमें 34% हिंदू ले रहे हैं, और 66% मुसलमान ले रहे हैं और 34% हिंदू ले रहे हैं। बंगाल के डेटा के हिसाब से 28% बंगाल के डेटा के हिसाब से 28% हम मुसलमान यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सिटीजन हैं, और मोर देन 66% हिंदूज में। तो ये जो इंडियन अलायंस का एक नारा आया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी होगी, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ निकल गया, ये तो बहुत बड़ा फेक निकल गया। फिर से राहुल बाबा झूठा साबित हो गया, फिर से गांधी परिवार लुच्चा साबित हो गया, फिर से इनका षड्यंत्र और मुस्लिम लीग का की मानसिकता और पाकिस्तानी मोहब्बत फिर से सामने आकर खड़ा हो गया। अब मैं पूछना चाहती हूँ इंडिया अलायंस के सारे बड़े नेता से कि जरा पाकिस्तान में जाकर पूछो तो कि ओबीसी आप में से कौन कौन है। राहुल बाबा समूचा वापस नहीं आएगा, बोटियों के साथ वापस आएगा। जरा अखिलेश यादव पूछे तो पाकिस्तान की सरकार से कि आपके यहाँ ओबीसी कितने मुसलमान है, एससी एसटी कितने मुसलमान है। अरे फोन पर ही नवाज शरीफ और मरियम शरीफ कितनी गालियां देगी अखिलेश यादव को और ममता बनर्जी को कि ममता बनर्जी का तेवर पाकिस्तान के नवाज शरीफ के सामने नहीं चलेगा। जरा अरब में फोन लगाकर पूछा तो जाए, जरा कर्गिस्तान में फोन लगा के पूछा तो जाए, जरा तुर्किस्तान में फोन लगा के पूछा तो जाए, जरा ईरान में फोन लगा के पूछा तो जाए कि आपके देश में कितने ओबीसी हैं मुसलमान। थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ माँ बहन की गालियां पड़ेंगी, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से कोई भी कलमा शरीक ओबीसी हो ही नहीं सकता है। और इंडिया अलायंस का जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी होगी हिस्सेदारी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मुसलमानों को ममता बनर्जी साहिबा ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे करके उनके वोट को अपने पॉकेट में कंफर्म किया था, और ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ उठवा करके उनको अपने चाटुकारता वर्कर के तौर पर इस्तेमाल किया था, इसका भांडा फूट चुका। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाइकांजी का दमदार
और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत की बेटी नाज़िया अली खान ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। इनफैक्ट कि नाज़िया खान जी ने तो टीएमसी का मतलब ही बदल दिया, यानी कि टेररिस्ट मुस्लिम कमेटी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।